नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और मैं हूँ राशिका बजाज। झारखंड के रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड स्थित छोटका चुंबा गांव की बेटी इशिका राज ने झारखंड फिल्म सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेकर मिस झारखंड के खिताब से नवाजी गई है। ग्रामीणों के अनुसार इशिका राज के इस सफलता से न सिर्फ ये अपने गाँव का बल्कि अपने पूरे जिले का भी नाम रोशन कर दी है। इशिका राज एक साधारण परिवार से आती है, इसके माता पिता दोनों प्राइवेट टीचर हैं। झारखंड फिल्म सौंदर्य कार्यक्रम के आयोजक मृत्युंजय कुमार रहे, जो बॉबी एंटरटेनमेंट के निर्देशक भी हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में रांची में प्रथम विजेता के रूप में इशिका राज की नाम घोषित होने की खबर जैसे ही परिजनों और ग्रामीणों को लगी, गाँव में हर्ष और खुशी का माहौल हो गया। नमस्ते, मेरा नाम इशिका राज है और मैं वुमेन्स कॉलेज बीकॉम की छात्रा हूँ। मैं अपना 10th यहीं चुंबा गांव से की हूँ और मैं मिस झारखंड 2022 की विनर हूँ। मुझे बचपन से ही इच्छा थी कि मैं इस क्षेत्र में जाऊँ, पर गांव में रहने के कारण मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं जाऊँगी, पर मुझे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था इस चीज़ में। तो मेरे पेरेंट्स मेरा बहुत बड़ा सपोर्टिव सिस्टम है, मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरी मम्मी मेरे साथ गई हुई थी प्रतियोगिता में, मैं जितनी देरी वहाँ पे रहती थी मेरी मम्मी मेरे साथ रहती थी, और मेरे पापा का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है और सबसे ज़्यादा मेरे भाई का सपोर्ट रहा है मेरे इस जर्नी में, और मेरे दोस्तों का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहती हैं? मैं इस सफलता का श्रेय सभी को देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे फैमिली भी उतना ही सपोर्ट किए जितना मेरे दोस्तों ने। मेरी बेस्ट फ्रेंड है सुमन, उसने ही मुझे इस प्रतियोगिता में जाने के लिए प्रेरित किया था और उसने ही बोला था। उसके बाद मैंने घर में बात किया और घर से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला और फिर मैं इस प्रतियोगिता में गई। अगला लक्ष्य क्या होगा आपका? मेरा अगला लक्ष्य मिस इंडिया है और मुझे डायरेक्ट मिस इंडिया का टिकट मिला है और मेरे से ऑडिशन नहीं लिया जाएगा, मैं डायरेक्ट मिस इंडिया में। मैं बहुत प्राउड महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैं जिस गांव में रहती हूँ, काफ़ी छोटा सा गांव है, और आई थिंक इस गांव में इस बार से पहले कोई इस लाइन में गई नहीं है। तो आई थिंक मेरे ज़रिए बहुतों के पेरेंट्स सोचेंगे और इस लाइन को गलत नहीं समझेंगे, क्योंकि इस गांव में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि इस लाइन को बहुत गलत समझते हैं, मॉडलिंग के लाइन को सोचते हैं कि अगर वहां पे मेरी बेटी जाएगी तो बिगड़ जाएगी या कुछ भी, स्पेशली लड़की लोग के लिए। तो इस बार से आई थिंक सबका माइंड चेंज होगा और वो लोग भी अपनी बेटियों को इस लाइन में। ये हमारा गाँव जैसा पिछड़ा है उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा का ये स्रोत बनी है। ये पूरे गांव के लिए कहा जाए गर्व की बात है। और हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसके प्रति सोचा नहीं था और ये सोच मेरी बेटी में जगी, तो मेरे पास हम दोनों के पास चर्चा की और चर्चा करने के बाद फिर हम लोगों ने इनको सजेस्ट किया कि तुम इस क्षेत्र में जाओ, हम लोग तुम्हारे साथ 2400 घंटे हमारे तुम्हारे साथ हैं। और इस छंस के हम लोग के लिए बहुत ही लालायित थे। इशिका का शौक तो बचपन से हम लोग देखते थे कि इसका मॉडलिंग के क्षेत्र में कौन कैसा सजा है, कौन कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन कैसा लुक्स है। ये इसका बचपन से शौक रहता था, पापा हम भी इतने सुंदर बनेंगे, हम भी ऐसा ही करेंगे। आज उस क्षेत्र में ये अपना नाम रोशन की है, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत खुश। क्या शौक है, डांस वगैरह? हाँ, इसका डांस जो है डांसिंग शौक है, मॉडलिंग इस क्षेत्र में शौक है और साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल रही है। इशिका राज के बारे में यही कहना चाहते हैं, इतना पिछड़ा हुआ गांव में एक बेटी मेरी है इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। एक गाँव का सोच चेंज होगा, यहाँ का लोग का सोच चेंज होगा, इस गाँव में भी ये हम कर पाएंगे और आगे चल के ये गांव का लोग का सोच चेंज होगा और इससे भी ज़्यादा ऊपर आने का कोशिश भी करेंगे। इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये कामना करना चाहते हैं कि ये आगे चल के मिस इंडिया का खिताब हासिल करे, ये हम लोग के लिए बहुत गर्व का बात है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बबलू मोदी। इशिका राज मेरी बेटी है और शुरू से ही बहुत अच्छी पढ़ने में है सर, वो मैट्रिक भले ही गाँव से रही है
लेकिन अच्छे नंबर से पास की है चुम्बा हाई स्कूल से, इंटर भी अच्छा नंबर से की है, अभी बीकॉम के स्टूडेंट है और सारे सेमेस्टर में वो अच्छा नंबर लाई है। उसके साथ साथ उसको मॉडलिंग करना बहुत पसंद था। हम लोगों को भी लगा कि मेरी बेटी इस क्षेत्र में आगे निकलेगी, तो हम लोग भी उसके उसको सपोर्ट किए, आज यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ तक पहुँचने के बाद हम लोग को मानिए ही नहीं, पूरे गाँव खुश है सर, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। जब इसको विनर बनाया गया था कि विनर ऑफ इशिका राज, उस समय तो मेरा खुशी का ठिकाना ही नहीं था सर, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ हम चले गए। इशिका राज के लिए ये बोलना चाहते जो हमारे गांव का इस महिला चुम्बा पंचायत से जो बहुत बड़ी इस पंचायत के नाम रोशन की है और बहुत कड़ी मेहनत से ये आगे बढ़ने की कोशिश की है और हम चाहते हैं कि ऐसा सब बेटियाँ लोग बहन लोग आगे बढ़े, मैं इसके लिए धन्यवाद देना। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।